past 10. I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. अब देखते हैं ये लोग कैसे आते हैं, पानी में फंस गए. पॉइंट करेगा आज हम लोगों को, सबको मजा आया यहाँ पे. रोटी लेने बहुत दूर चले गए थे. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Ye mere piche jo hai mere sasurali hai. But now I see what you teach. ye dekhe. ये पिकनिक में जा रहे हैं बच्चे, मस्जिद के लेकर जा रहे हैं. ये देखें, ये बच्चा देखें अभी भी फजर पढ़ने जा रहा है. ये पिछले पहले पिकनिक तो क्या जाए, आगे नाम का बैठे हुए. क्या नजारा है, क्या ये देखो, ये बस 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 मोबाइल ऊपर करके रख पूरा बेड की बनाने की जाएगी. अस्सलाम वालेकुम, एक दफ़ा फिर अदनान गौरी ब्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं. हम लोग आए हुए हैं हॉक्स पे और रात को हम लोग निकले हैं तकरीबन 4:30 बजे और यहाँ पहुँचे हैं 5:15 बजे. तो हॉक्स पे में आज हमने हट बुक कराया है और मैं आज जो आया हूँ अपने ससुराल वालों के साथ आया हूँ. आज इनकी फैमिली है सारी और इस वक्त पानी बहुत चढ़ा हुआ है और अभी तक हम नीचे नहीं जा सक रहे. सुबह का टाइम है और बादल फुल आए हुए हैं. इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय करिएगा. अभी हमने नाश्ता कर लिया है, बहुत मज़ेदार नाश्ता, मज़ा आया. मज़ा आया आज. अब जो है सारे लोग जो है नहाने के लिए जा रहे हैं. यहाँ तो पानी बहुत चढ़ा हुआ है, आगे एक छोटा सा साहिल है वहाँ की तरफ जा रहे हैं. तो अभी मैं कपड़े चेंज कर रहा हूँ. हालत बुरी हो गई है भाई. दो दफ़ा रास्ता भटक के अब आ रहे हैं. कोई मुकामी लोगों ने पहुंचाया, मुकामी लोगों ने पहुंचाया भाई. चलो भाई आराम आराम से, आराम से. और मेरा कैप किधर गया, वहीं भूल गया कैप, कैप वहीं भूल गया भाई. ये मेरे पीछे जो है मेरे ससुराली हैं और फुल इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं. पानी बहुत चढ़ा हुआ है, बहुत चढ़ा हुआ है पानी. और रिवर्स में भी बंदे को रिवर्स लेके जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं. हाँ, और इस वक्त हम एंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त. हॉक्स बे की खूबसूरत मस्जिद. बहुत ही प्यारा नज़ारा है व्यूअर्स. अरे अभी तो पानी तेज था नहीं. असीम भाई आप अभी से गिर गए.
कहते आते हैं, पानी में फंस गए। वहाँ कोने पे थे हम लोग और अब हमें यहाँ आना है। ये डैडी का आइडिया था कि हम लोग इस रास्ते से आराम से आ जाएंगे, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल पत्थर से हम लोग होते हुए आए और ये लोग यहाँ से आते वे अब ये पानी में फंस गए और यहाँ पे भी पत्थर ही पत्थर है। देखिए लहरें देखें आप लोग, इस वक्त उनको तेज लहरें हैं और अब नानी को लाना है ऊपर। हे मुनीमा नानी आ गई है, हो गई हट के ओनर हैं, उन्होंने कहा है कि क्या कहते हैं आप हमारी तरफ आए, बहुत अच्छा साफ सुथरा वो जो है समंदर मिलेगा आपको। इस वक्त एक और अनान भाई हैं मेरे, साड़ू हैं माशाल्लाह से। कैसा लग रहा है आज की पिकनिक में? बहुत मज़ा आया ना। ये एक और मेरे साड़ू हैं दानिश भाई। जाहिद चचा ने बहुत ही ज़बरदस्त पिकनिक अरेंज करी है। अल्हम्दुलिल्लाह जाहिद भाई ने बहुत अच्छी पिकनिक प्लान करी है, जिन लोगों को सबको मज़ा आया। यहाँ पे आए थे हर साल की तरह, इस साल भी आए हैं हम लोग पिकनिक पे। पानी भी बहुत चढ़ा हुआ है इस जगह पे, देखे और एहतियात करनी चाहिए, हादसा हमारे साथ भी हो चुका है। जो आज का जो सीन था बड़ा खतरनाक था, बहुत ज्यादा खतरनाक था, बहुत खतरनाक था। और भाई चचा जो आज रोटी लेके गए ना पैदल, यार ये भी एक बहुत ही यार हिम्मत है यार, उनकी मोहब्बत है, वो हमसे इतना प्यार करते हैं। शुक्रिया। ये मेरे आप इनको तो पहचानते होंगे, साले हैं, शादी के बाद थोड़े से मोटे हो गए ये। और पिकनिक कैसी लगी आपको? बेहतरीन लगी ना भाई, एक बच्चे के बाप भी बन गए भाई। हाँ ये मेरे साले, आज की पिकनिक कैसी लगी आपको? सही थी। रोटी लेने बहुत दूर चले गए थे।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, खास तौर पे बेल आइटम का बटन जरूर दबाएं। लाजमी कमेंट्स करिएगा ताकि हमें मालूम हो सके कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।